हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर में होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेके आई हूँ मीशो हॉल। और आपने मेरे प्रीवियस हॉल को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक दिए, तो थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आज का हॉल भी इसी तरीके का है, तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। सारे आउटफिट अपने आप में बहुत ही प्रिटी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल है, और उनके साथ अच्छा सा मेकअप करके रेडी हो सकती है। गुड टू गो वाली कुर्तियाँ हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब मैंने की स्टाइल को फॉलो नहीं किया, आपको नायरा कट देखने के लिए मिलेगा, आलिया कट देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, तभी पूरी वीडियो आपको समझ आएगी। और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डू चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और करना कि अगर वीडियो अच्छी लग रही, फर्स्ट आउटफिट से स्टार्ट करते हैं। थ्री पीस सेट है, सारे कंप्लीट सेट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही प्रिटी है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाली गो सीरी की ब्रांड से, बहुत ही लेटेस्ट, मतलब अभी डिजाइन ही वाला है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको इस तरह नेक स्टाइल मिलेगा। ऑलमोस्ट सबको मैंने जो साइज लिया, एल साइज मैंने लिया, कैसे आपको रिसीव होगी, वी नेक आपको मिलेगा। नेक के पास आपको इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी, मैं टैग को डाल देती हूँ। यहाँ पे आपको नेक का डिजाइन वर्क मिलेगा और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी मिलेगी और साथ में क्रोशिया की लेस लगी हुई मिलेगी। एल साइज मैंने पिक किया, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रिटी है। ऑफिस वेयर के लिए चाहिए, ऑफिस में हल्का फुल्का फंक्शन है उसके लिए आपको चाहिए, डेफिनेटली इसको पिक कर सकते हो। सुपर कंफर्टेबल है, इजिली आप इसे होल डे वेयर कर सकते हो। और जो उसमें स्टाइल दिया गया ना, वो बहुत ही प्रिटी है। इस तरीके से आपको मिलेगा, कॉटन ब्लेंड फैब्रिक है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया गया है, ब्लू और फ्रोजी का जो मिक्स एंड मैच है, व्हाइट इसमें जो इसको वाइब्रेंट सा शेड दे रहा है, इस तरीके से आपको मिलेगा। और सुपर कंफर्टेबल है, लेंथ आपको बहुत अच्छी मिली है, 46 आपको लेंथ मिली है। 3/4 स्लीव्स मिले, स्लीव्स पे भी आप देख सकते हो सेम नेट लगा हुआ है और उसके साथ आपको यहाँ पे जरी वर्क और सीक्वेंस की डिटेलिंग मिली है और बहुत ही अच्छा सा नीटली यहाँ पे आपको डिजाइन वर्क मिल रहा है लेस के साथ। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुर्ती रिसीव होगी और वी नेक से कमाल की लग रही थी, मतलब डिजाइनर कुर्ती लग रही थी। बैक से बात की जाए तो बिल्कुल आपको सेम वही फैब्रिक मिलेगा, कॉटन ब्लेंड फैब्रिक इस तरीके से मिलेगा और बाकी पूरी आपको यहाँ से प्लेन मिलेगी और साइड स्लिप में आपको यहाँ पे इस तरह की क्रोशिया की लेस लगी हुई मिलेगी जो कि आपको फ्रंट के पैनल में मिलेगी। इस तरीके से आपको मिलेगी और लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी, कॉटन ब्लेंड आपको यहाँ पे फैब्रिक मिला। बहुत सारे न्यू डिज़ाइन लॉन्च हुए हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब वाइब्रेंट सा शेड लग रहा था और सच में वेयर करने पे भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा इसका फैब्रिक है। इसको आप चेकआउट कर सकते हो और इसके साइजेस आपको मिलेंगे स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक और इसका प्राइस आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी कुर्ती है और अब मैं इसका बॉटम शो करती हूँ। बॉटम की बात की जाए तो कॉटन ब्लेंड फैब्रिक का ही आपको बॉटम मिलेगा, बोथ साइड आपको पॉकेट मिलेगी और ग्रे आपको यहाँ पे शेड में बॉटम मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो पैंट स्टाइल में आपको बॉटम मिला, सुपर कंफर्टेबल है, इजीली होल्ड डे इसके साथ आप ले सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है, जैसा पिक में दिखाया गया था वैसे ही आपको रिसीव होगा। दुपट्टे की बात करते हैं, दुपट्टा आपको यहाँ पे पॉली शिफॉन का मिलेगा, गुड क्वालिटी का है, चारों तरफ ये वाली लेस मिलेगी जो आपको कुर्ते में डिजाइन मिला था और 2.5 मीटर का दुपट्टा मिल रहा है। शिफॉन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो और उसको मैंने 715 में बाय किया था। तो इतनी आपको यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, विड्थ इतनी मिली है और लेंथ आपको काफ़ी अच्छी मिली है। तो पूरा ही सेट अपने आप में अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है, इसको आप बाय कर सकते हो। और नेक्स्ट आउटफिट अभी मैंने आपको स्ट्रेट दिखा दिया, मैं आपको गाउन दिखाने वाली हूँ, बहुत ही प्रिटी गाउन है। इस तरीके से अगर आप कुछ भी गेट टुगेदर है, अगर आपको डिफरेंट सा बाय करना चाहते हैं, इसको बाय कर सकते हो। इस तरीके से आपको मिलेगा ये गाउन और गुड क्वालिटी का जॉर्जेट आपको मिल रहा है। नेक पे आप देख सकते हो इस तरह का डिजाइन वर्क मिलेगा, पूरी यहाँ पे ना रियल वाले जो मिरर है ना छोटे वाले वो यहाँ पे आपको लगे हुए मिले। ओवरऑल लुक काफी अच्छी आ रही थी, इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट में डिजाइन मिलेगा। जॉर्जेट की क्वालिटी काफी अच्छी है, लॉन्ग स्लीव्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एल साइज मैंने पिक किया और इस तरह का जॉर्जेट फैब्रिक में आपको मिलेगा। यहाँ तो हो गया इसका अपर पार्ट और यहाँ से पूरे गैदर्स स्टार्ट हो रखे, जैसे आलिया कट में होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे पूरा आपको गैदर्स मिल रहे हैं। काफी अच्छा फ्लेयर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आपको फ्लेयर, आपको मैं फ्लेयर दिखा देती हूँ, इतना आपको पूरा यहाँ पे फ्लेयर मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है अंदर आपको क्रेप की लाइनिंग लगी हुई मिली है, सी थ्रू वाला कोई भी इशू नहीं है। इसके साथ आपको कोई बॉटम नहीं मिलेगा, तो कोई भी आप इसके साथ बॉटम वेयर कर सकते हो। आपके पास पिंक शेड की कोई लेगिंग होगी उसको डाल सकते हो, तो अच्छा पूरे में अंदर से आपको यहाँ पे क्रेप का लाइनिंग लगा हुआ मिला। ये तो हो गया इसका फ्रंट पार्ट जो कि बहुत ही प्रिटी है और जॉर्जेट की क्वालिटी सुपर फाइन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे जॉर्जेट मिल रहा है। कलर शेड बहुत अच्छा ब्राइट सा कलर आपको यहाँ पे मिल रहा है पिंक शेड में और बैक से आपको इस तरह का यहाँ पे डोरी मिलेगी बैक में बांधने के लिए, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी हमारी भी। और जो वी स्टाइल यहाँ पे बन रहा है ना उससे लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी, तो किसी भी पार्टी फंक्शन में अगर आपको डिफरेंस है ट्राई करना चाहते हैं तो इस गाउन को ट्राई कर सकते हैं, बाकी आपको ड्राइंग में शो हो जाएगा, लुक काफ़ी अच्छी आती। इसमें आपको साइजेस मिल जाएंगे स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक, तो एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे एल साइज को पिक किया, जो भी आपका साइज है आप उसमें बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको घेरा काफी अच्छा मिल रहा है, फ्लेयर काफी अच्छा आ रहा है, फ्लोर लेंथ की कुर्ती आपको मिली है, 54 इसकी फ्रंट लेंथ है। अब मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ लाइनिंग,
लाइनिंग की क्वालिटी भी अच्छी है आपको यहाँ पे मिली, इस तरीके से पूरा क्रेप का फैब्रिक आपको मिल रहा है, तो सी थ्रू वाला नहीं है, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप इसमें कोई भी लेगिंग या बॉटम वेयर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा, सुपर प्रिटी है, पहने बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा था, बहुत अच्छी लुक आ रही थी। और अगर आपको कुछ गर्लिश लुक चाहिए तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से आप इसके साथ हैवी इयररिंग्स वेयर कर लीजिए तो कमाल क्या लगने वाला है गाउन। तो हाईली रिकमेंड करूँगी इसको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि कलर शेड बहुत अच्छा है, वाइब्रेंट सा शेड आपको मिल रहा है, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है, इसको चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो भी लिंक होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अब मैं इसका दुपट्टा शो करती हूँ। दुपट्टा आपको यहाँ पे 2.5 मीटर का मिलेगा, इस तरीके से सेम जो फैब्रिक आपको मिल रहा है ना कुर्ती का जॉर्जेट, वही आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आपको यहाँ पे विड्थ इतनी मिलेगी और इसमें पूरे यहाँ पे इस तरह के स्टोन लगे हुए हैं जो आपको कुर्ती के योग पार्ट में मिले थे, इस तरीके से आपको मिलेगा। जस्ट साइड में डालने के लिए काफ़ी प्रिटी है, इस तरीके से कुछ आप स्टाइल करना चाहते हो वो कर सकते हो, नेक में आप डाल सकते हो, तो इस तरीके से आपको मिलेगा और अच्छा है। इसको भी आप बाय कर सकते हो, इसके प्राइस भी आपको स्क्रीन में शो हो जाएंगे। तो ओवरऑल लुक काफी अच्छी आ रही थी। ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट मैं आपको दिखाने वाली हूँ येलो कलर। आपको पूजा फंक्शन के लिए कुछ चाहिए, हल्दी फंक्शन के लिए चाहिए, जैसे कि शादी सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ही प्रिटी आपको रेयॉन की कुर्ती मैं दिखा रही हूँ, कंप्लीट सेट है, इस तरीके से मिलेगा। लुक एट द डिजाइन, मतलब बहुत ही, मतलब मैं इतना मैं आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, जब आपको रिसीव होगा तब आपको मतलब इसका असली मजा आएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा, आप देख सकते हो योग पार्ट में कितना अच्छा डिजाइन उड़ गया। और रेयॉन बहुत गुड क्वालिटी का है, एल साइज मैंने पिक किया पूरा, और येलो शेड भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब वाइब्रेंट येलो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको नायरा कट स्टाइल में मिलने वाला है, योग पार्ट में डिजाइन हो गया, पूरा रेयॉन का फैब्रिक मिल रहा है, और जो फ्लोरल इसमें पैटर्न जा रहा है ना उससे लुक काफी अच्छी आती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नेक मिलेगा, एल साइज मैंने पिक किया है। स्लीव्स की बात की जाए तो इस तरीके से 3-4 स्लीव्स मिलेंगे, और यहाँ पे ना क्रोशिया की लेस लगी हुई मिली है, इससे लुक बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे गोटा पट्टी की डिटेलिंग भी है, मतलब हल्दी फंक्शन के लिए, पूजा के लिए बेस्ट है ये वाला भी, इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहाँ से आपका टैसल दिए हुए हैं, और यहाँ से पूरा आपका कट स्टार्ट हो जाएगा जो नायरा कट में आपको मिलता है, इस तरीके से। कलर शेड आप देख सकते हो, फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, और जब आप हेम की तरफ आओगे ना तो आपको फ्रंट वाले पैनल में ये वाली क्रोशिया वाली लेस लगी हुई मिलेगी, और गोटा पट्टी की डिटेलिंग। लेंथ काफ़ी अच्छी है आपको इसमें मिली है, 46 आपको फ्रंट लेंथ मिलेगी। ओवरऑल कुर्ती की लुक आप देख सकते हो इस तरीके से आ रहा है, और कलर शेड बहुत अच्छा है। बैक से बात की जाए तो सेम वही फ्लोरल पैटर्न आपको रेयॉन की कुर्ती का मिलेगा जो फ्रंट पे मिला है, इस तरीके से। स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है, लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी। और इसमें आपको साइजेस मिल जाएंगे मीडियम से लेके एक्सेल तक, बहुत ही गुड क्वालिटी आपको मिलने वाली है, चेकआउट कर सकते हो, जो भी प्राइस है आपको स्क्रीन में शो जाएंगे। ओवरऑल ये तो हो गई इसकी कुर्ती, अब मैं इसका आपको बॉटम एंड दुपट्टा शो करती हूँ। और बॉटम की बात की जाए तो येलो शेड में जैसा पिक में दिखाया गया सेम वैसे ही आपको रिसीव होगा, इस तरह का आपको बॉटम रिसीव होगा, और ये रेयॉन फैब्रिक, इसका बॉटम आपको रेयॉन फैब्रिक में रिसीव होगा। ओवरऑल कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया था, और बॉटम इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको कुर्ती में भी इस तरह की लेस मिल रही है और बॉटम में भी, तो ये तो हो गया इसका बॉटम। अब मैं इसका दुपट्टा शो करती हूँ, दुपट्टा बहुत ही अच्छा है। दुपट्टे की बात की जाए तो आपको वॉयल का जैसे दुपट्टा होता है ना सॉफ्ट कॉटन में, उस तरीके का आपको दुपट्टा मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको 2.25 मीटर का दुपट्टा मिलेगा, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, हाईली रिकमेंड करूँगी इसको भी। अगर आपको हल्दी फंक्शन के लिए चाहिए, येलो कलर आपका फेवरेट है, आपको भी पसंद है, तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, अच्छा है, इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओवरऑल ये रहा इसका दुपट्टा। आपको दिखाने वाली हूँ एक पिंक शेड का, और ये भी काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है, और इस तरह का ग्रेसफुल कुर्ता आपको रिसीव होने वाला है। 3 शेड अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे पिंक शेड को पिक किया, इस तरीके से रिसीव होगा। और इसका फैब्रिक है कोरा मछली, लेकिन बहुत ही अच्छा है, अंदर से आपको लाइनिंग भी लगी हुई मिल रही है, और यहाँ पे ना पूरी सीक्वेंस आपको लगे हुए मिलेंगे इसमें, काफ़ी अच्छी इसमें डिजाइन वर्क कोर का है। ऐसे आजकल पाकिस्तानी सूट चल रहे ना, उस तरीके का इसमें लुक आ रहा था, इस तरीके से आपको राउंड नेक में मिलेगा। एल साइज मैंने पिक किया, और पूरी सीक्वेंस की डिटेलिंग है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मसलिन जो यहाँ पे बता रखा है, और मतलब टच करने में भी लग रहा है अच्छा फैब्रिक है, इजीली आप इसे पहन सकते हो, समर्स में पहन सकते हो, या भी आपको इसके अंदर लाइनिंग भी लगी है तो विंटर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कार्डिगन के साथ, इस तरीके से। 3-4 स्लीव्स मिलेगा, पूरे फैब्रिक में ना ये अच्छे से स्टिचिंग हो रखी है, जो सीक्वेंस की डिटेलिंग जा रही है, इस तरीके से। क्वार्टर स्लीव्स आपको मिलेंगे, यहाँ तक आएंगे एल्बो तक, अच्छे लग रहे थे, इस तरह का आपको डिज़ाइन पैटर्न मिलेगा, पूरा इसमें प्रिंट वर्क हो रखा है, लेकिन जो सीक्वेंस की स्टिचिंग जा रही है ना उससे कुर्ती काफ़ी अच्छी लग रही थी, पार्टी फंक्शन के लिए। और जैसा आपको फ्रंट में डिज़ाइन मिल रहा है ना, सेम वही आपको बैक में मिला है। कई कुर्तीज़ में होता है ना फ्रंट में तो डिज़ाइन होता है, बैक में नहीं होता, लेकिन इसमें आपको बैक में भी पूरा सीक्वेंस की डिटेलिंग मिली है, इस तरह का पूरा वर्क मिल रहा है, तो पार्टी फंक्शन के लिए बेस्ट है, इसको चेकआउट कर सकते हो। अफोर्डेबल भी है, लुक काफ़ी अच्छी आती है। 3 शेड अवेलेबल है, 3 शेड बहुत अच्छे हैं, ब्लैक है और एक येलो है, तो मैंने पिंक शेड को पिक किया, इस तरीके से आपको मिलेगा। फ्रंट में ये वाला डिज़ाइन मिल रहा है, हेम की तरफ आओगे थोड़ा डिफरेंट सा डिज़ाइन मिल रहा है,
और बैक में आपको इस तरह का डिजाइन वर्क मिलेगा। तो कुर्ती काफी अच्छी है, इसको चेकआउट कर सकते हो, पहनने पे काफी अच्छी लग रही थी। और इसके अंदर आपको पूरा ये लाइनिंग भी लगा हुआ मिला, इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा आपको लाइनिंग लगा हुआ मिला है। तो बिल्कुल चुभने वाला नहीं है कि मतलब सीक्वेंस की यहाँ पे स्टिचिंग हो रखी है ना, जैसे कि फैब्रिक चुभ रहा हो, तो अच्छे से आपको लाइनिंग मिला है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया, कलर शेड बहुत अच्छा है अपने आप में, इसको आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रही है। आप लुक देख सकते हो बहुत अच्छा रही, बाकी ट्राउन में शो हो जाएगा, हाईली रिकमेंड करूंगी, इसको बाय कर सकते हो। बॉटम की बात की जाए तो इस तरीके का आपको यहाँ पे बॉटम रिसीव होगा, रेयन फैब्रिक में होगा, बोथ साइड इलास्टिकेटेड मिली है, और रेड शेड में आप जो पिंक का कॉम्बिनेशन है ना उसी तरीके का आपको मिलेगा। इस तरीके से आप बॉटम देख सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट मटेरियल में आपको मिल रहा है, और इजिली इसके साथ भी आप होल्ड ले रह सकते हो। दुपट्टा दिखाती हूँ, दुपट्टा आपको कोरा मसलिन का ही मिलेगा, जिस तरीके का आपको कुर्ता मिला था इस तरीके से, और कितना अच्छा आपको यहाँ पे विड्थ मिली है, और ये आपको यहाँ पे लेंथ मिली है इस तरीके से, और सेम वही जो कुर्ते का फैब्रिक है ना वही आपको यहाँ पे मिलेगा। इतना आप देख सकते हो पूरी लेंथ, और लुक बहुत अच्छी आती है। पूरा इसमें सीक्वेंस की डिटेलिंग मैं पास से दिखा देती हूँ, इस तरीके से पूरी आपको यहाँ पे सीक्वेंस की डिटेलिंग दिख रही होगी, ये देखिए इस तरीके से पूरे इसमें सीक्वेंस की स्टिचिंग जा रही है दुपट्टे में भी। तो हाईली रिकमेंड करूंगी, इसको भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आउटफिट है ये वाला, अफोर्डेबल है, लुक गुड क्वालिटी का है, और मतलब बहुत ही प्रिटी लग रहा था किसी पार्टी फंक्शन के लिए, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मिल जाएंगे मीडियम से लेके डबल एक्सेल तक, तो जो भी आपका एग्जैक्ट साइज है आप बाय कर सकते हो। और पिक से भी ज़्यादा सुंदर ये लग रहा था, मतलब पिक में तो थोड़ा डल लग रहा था, और पिक से ज़्यादा ये आपको जब रिसीव होगा तो आपको पता लगेगा, तो इसको भी हाईली रिकमेंड करूँगी, चेकआउट कर सकते हो। मोन टू नेक्स्ट कुर्ता, और ये इस हॉल का सबसे कम का आउटफिट आई थिंक 630 का होगा, और थ्री पीस सेट है ये भी, लेकिन मतलब था नहीं कितना अच्छा रिसीव होगा, लेकिन पहने का बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से आपको ये मल्टी शेड में मिलने वाला है, स्ट्रेट फिट है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट आपके साथ शेयर किए हैं, तो इस तरीके से स्ट्रेट फिट आपको मिलने वाला है। आप पैटर्न देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है, पहनने का तो और अच्छा लग रहा था। बहुत ही कॉटन ब्लेंड फैब्रिक है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट वाला मटेरियल आपको मिला है। योग पार्ट में हल्का सा वी कट मिलेगा, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिली है, एल साइज मैंने पिक किया। आप कलर देख सकते हो कितने अच्छे इस तरीके से आपको मिलेगा, और सुपर कंफर्टेबल है इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। 3/4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी आपको ये वाला डिजाइन मिलेगा जिसका आपको बॉटम रिसीव होगा। और इस तरीके से फ्लोरल पैटर्न में आपको कुर्ती मिलेगी, फ्रंट लेंथ 45 है, और नीचे की तरफ आओगे तो इस तरह का आपको पैच अटैच किया हुआ है। ग्रेसफुल कुर्ता है इस तरीके से, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, मतलब बिल्कुल फिट भी नहीं है, हल्का लूज फिट आपको आएगा। इसमें साइजेस अवेलेबल है स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सल तक, तो बाय कर सकते हो। सेम ऐसे पिक में दिखा रखना, सेम वैसे ही आपको रिसीव होगा। बैक से बात की जाए तो वही आपको फ्लोरल पैटर्न मिलेगा जो फ्रंट में मिल रहा है, पूरा यहाँ पे प्रिंटेड आपको वर्क मिल रहा है, काफी अच्छा प्रिंट वर्क है, बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, तो हाईली रिकमेंड करूंगी, इसको चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको इसका बॉटम शो करती हूँ, कॉटन ब्लेंड का बॉटम रिसीव होगा। आप मार्जिन देख सकते हो कितना अच्छा है, आपको फ्रंट में बेल्ट मिलेगी, ड्रॉ स्ट्रिंग भी मिल रहे हैं, और बैक से इलास्टिकेटेड मिलेगा, इस तरह का लहरिया पैटर्न मिलेगा जो आपको यहाँ पे डिजाइन वर्क मिल रहा था स्लीव्स पे और यहाँ नेक पे, इस तरीके का आपको बॉटम रिसीव हुआ। क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत अच्छी है आपको रिसीव होगी यहाँ पे। अब मीशो ने अपनी थोड़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर दी है, तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो इस वाले आउटफिट को, और इस तरीके से आपको मिलेगा। लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, मार्जिन भी हिप एरिया में काफ़ी अच्छा है। दुपट्टा शो करती हूँ, दुपट्टे की बात की जाए तो प्योर कॉटन का आपको दुपट्टा मिलेगा, 2.25 मीटर का दुपट्टा है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन आप पूरा एक साथ डालते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको लहरिया पैटर्न में दुपट्टा मिलने वाला है, इस तरीके से इतनी आपको यहाँ पे विड्थ मिल रही है और इतना आपको लेंथ मिल रही है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेट है, इसको चेकआउट कर सकते हो। कॉटन का आपको दुपट्टा मिला है और ये प्राइस है 633 में आपको पूरा सेट मिल जाएगा, तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो जो भी आपका एग्जैक्ट साइज है। और जो फ्रेंड लास्ट आउटफिट है वो मैंने वेयर किया, डार्क पर्पल शेड में ये आउटफिट आपको मिलाना है, विचित्र सिल्क इसका फैब्रिक बताया गया, इस तरीके से ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छी आती है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, जिससे कि मतलब कुर्ती बिल्कुल फेस्टिवल या किसी भी पार्टी ओकेजन के लिए बेस्ट है। कम्प्लीट सेट आपको मिलने वाला है, और कलर शेड इसमें दो हैं, एक पर्पल शेड है एक पिंक शेड है, जैसा मेरा नेक में डाला हुआ है, तो दोनों ही शेड अपने आप में अच्छे, तो मैंने कहा चलो पर्पल को ट्राई करते हैं। इस तरीके से आपको आलिया कट इस टाइम में मिलेगा, यहाँ से गैदर स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे 3/4 स्लीव्स मिलेंगे, स्लीव्स पे भी इस तरह की आपको ट्रायंगल वाली लेस की डिजाइनिंग मिलेगी, और यहाँ पे पूरा ये जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इस तरीके से मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये पूरा यहाँ पे डिजाइन हो रखा है, आपको जरी वर्क मिल रहा है, एम्ब्रॉयडरी मिली, इस तरीके से वी नेक से कुर्ती बहुत ही अच्छी लग रही थी, और बाकी आपको ट्राउन शो हो जाएगा कि वेयर करने का कमाल की लग रही थी। अभी मैं जस्ट आपको शो कर देती हूँ, इस तरीके से आपको मिलेगी। बैक से बात की जाए तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टाइल मिलेगा, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है इसका, और ये तो हो गई इसकी कुर्ती, और जस्ट यहाँ से आपके
और यहाँ पे ना आपको कोई साइड में कोई कट नहीं मिल रहा है, पूरी स्टिच हो रखी है। किसी आलिया कट में आपको साइड में स्लिप मिलती, किसी में नहीं मिलती, तो ये आपको पूरा बंद मिल रहा है। यहाँ से गैदर स्टार्ट है, कुर्ती पूरी स्टिच है। अब मैं आपको इसका बॉटम शो करती हूँ। बॉटम की बात की जाए तो इस तरीके से विचित्रा सिल्क फैब्रिक में आपको बॉटम रिसीव होगा, और जो ऊपर का पार्ट है ना इसमें लाइनिंग लगा हुआ है और नीचे के पार्ट में लाइनिंग नहीं है, लेकिन बॉटम में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे लाइनिंग लगा हुआ है। क्रेप का फैब्रिक की लाइनिंग मिली है जिससे कि सी थ्रू का कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आपको बॉटम रिसीव होगा, और यहाँ पे भी आपको सेम वही डिजाइनिंग मिलेगी जो ये मैं पास से दिखा देती हूँ। इस तरह की ये पूरा डिजाइन वर्क आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस तरीके का ये आपको बॉटम के हेम पे मिलेगा। इस तरीके से आपको पैंट रिसीव होगी, एग्जैक्ट कलर मैचिंग सेम जैसे कुर्ती का है वैसी है। अब मैं आपको लाइनिंग दिखा देती हूँ उसकी। इस तरीके से आप देख सकते हो पूरी अंदर से लाइनिंग लगी हुई है पर्पल शेड की, दूसरे फैब्रिक की, तो सी थ्रू का कोई इशू नहीं है। हिप एरिया में मार्जिन काफी अच्छा है, बोथ साइड इलास्टिकेटेड मिल रहा है। इसको चेकआउट कर सकते हो, मुझे तो काफी पसंद आया ये वाला। तो ये तो रहा इसका बॉटम। अब दुपट्टा शो करते हैं। नेट का आपको दुपट्टा मिलेगा, बहुत ही प्रिटी नेट यहाँ पे आपको मिल रहा है, गुड क्वालिटी का स्ट्रोल काइंड आपको दुपट्टा मिलेगा। और यहाँ पे पूरी इस तरह से डिजाइन हो रखी, जैसे स्टाइल ये कट वर्क वाला डिजाइन होता है ना, इस तरीके से आपको डिजाइन वर्क मिलेगा। और यहाँ पे छोटे छोटे बूटे मिल रहे हैं जिससे कि पूरी सीक्वेंस उसमें लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी हो रखी। इस तरह का आपको स्टोल काइंड दुपट्टा मिलेगा, जस्ट साइड में डालने के लिए काफी अच्छा लग रहा था इस तरीके से, और पिक में भी ऐसे ही दिखाया हुआ था। तो और इसमें साइजेस अवेलेबल है स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक, और यहाँ पे आपको 2.10 आप बोल सकते हो 2.25 मीटर से कम का ही आपको यहाँ पे दुपट्टा मिल रहा है। स्ट्रोल काइंड है इस तरीके का, लेकिन काफी अच्छा लग रहा था और गुड क्वालिटी का, जस्ट साइड में आप कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे पूरी इस तरह की डिटेलिंग आपको मिली जो मैंने दिखा दी, बाकी आपको ट्राउन में शो हो जाएगा। ओवरऑल लुक काफी अच्छी आती, अगर आप कुछ अफोर्डेबल ढूंढे तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक आपको 850 में ये पूरा आउटफिट मिल जाएगा, हाईली रिकमेंड करूंगी चेकआउट कर सकते हो। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सा आउटफिट अच्छा लगा। ये था मेरा आज का हॉल वीडियो मीशो से। आई होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया। इनमें से अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इवन मैं इनको पिन भी कर दूंगी जिससे कि इजी रहेगा आपको चेकआउट करना। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आगे भी आने वाली है, अच्छे अच्छे आउटफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।